हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और कैबिन फीवर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है कैबिन फीवर 2 स्प्रिंग फीवर और ये 2009 में रिलीज हुई थी। ये फर्स्ट पार्ट का सीक्वल है, लेकिन इससे इलाय रॉथ का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसे डायरेक्ट किया है टाई वेस्ट ने। ये एक हॉरर कॉमेडी है और मूवी मेनली कुछ टीनेजर्स पर फोकस करेगी, इसलिए ये हॉरर कॉमेडी से ज्यादा एडल्ट कॉमेडी बन जाती है। लेकिन मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वो फ्लैश ईटिंग वायरस जंगल से निकलकर शहर में पहुंचेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना इस मूवी से जुड़े कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट के कुछ टाइम बाद ही, और हम देखते हैं डाउन होम वाटर नाम का एक बोर्ड। ये एक कंपनी है जो बॉटल्ड वाटर सप्लाई करती है, और इनका वाटर सोर्स वही रिवर है जिसमें डेप्यूटी विंस्टन ने पॉल की बॉडी को फेंका था। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनका वाटर सोर्स अब इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसमें पॉल की बॉडी पड़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि पॉल अभी भी जिंदा है और उसका चेहरा बुरी तरह डिसफिगर्ड हो चुका है। वो किसी तरह रिवर से निकलता है और जंगल में भटकते हुए किसी तरह रोड तक पहुंचता है। जैसे पिछली बार वो एक ट्रक के सामने आ गया था और ट्रक रुक गया था, इस बार भी वो ठीक वैसा ही करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो एक स्कूल बस के सामने खड़ा था और बस ड्राइवर बच्चों की किचकिच से दुखी हुआ पड़ा था। वो सामने ध्यान नहीं देता और पॉल के चीथड़े उड़ा देता है। इस एक्सीडेंट की जाँच के लिए वहाँ होनहार ऑफिसर विंस्टन को भेजा जाता है, जो कि आपको पता ही है कि खून खराबे को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो बस ड्राइवर को यकीन दिलाता है कि उसने एक मूस को हिट किया है, जबकि वहाँ मूस के ना तो सींग थे और ना ही खाल। बस ड्राइवर भी उससे कोई बहस नहीं करता, क्योंकि उसके तो भाग खुल गए थे कि उसे ऐसा अकलमंद ऑफिसर मिला। और पिछली मूवी तक तो मैं सोच रहा था कि विंस्टन एक फन लविंग आदमी है, लेकिन इस मूवी के स्टार्ट में ही उसने साबित कर दिया कि वो एक्सट्रीमली डम्ब है। बस ड्राइवर बस लेकर वहां से चला जाता है। विंस्टन भी वहां से जाने लगता है, तभी उसे एक पेड़ पर मूस का पैर लटका हुआ मिलता है, जिसने जूता भी पहन रखा था। उसे रेडियो पर शेरिफ का मैसेज मिलता है। शेरिफ उसे वापस बुलाता है क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करने आए थे और वो ऑफिसर पहले कैबिन पर गए थे। विंस्टन वापस जाने लगता है, तभी उसे मूस की घड़ी भी मिलती है। अचानक उसके पीछे से एक ट्रक गुजरता है और ये डाउन होम वाटर का ही ट्रक है, यानी कि ये इन्फेक्टेड पानी की पहली सप्लाई है जो शहर में जा रही है। ट्रक शहर में पहुंचता है और सबसे पहली सप्लाई जाती है एक हाई स्कूल में। उस हाई स्कूल में हम देखते हैं जॉन और एलेक्स को। रात को उनकी प्रॉम नाइट थी और वो दोनों प्रॉम पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही भयंकर सिंगल थे। जॉन कैसी नाम की लड़की को पसंद करता था, जिसका अभी ब्रेकअप हुआ था। एलेक्स उसे कैसी से पूछने के लिए एनकरेज करता है। उनकी क्लास की बेल बजती है और तब एलेक्स को याद आता है कि उसने अपना चश्मा कार में ही छोड़ दिया है। वो उसे लेने जाता है, तभी कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क जॉन को पकड़ लेता है, जो कि उनकी बातें सुन रहा था। वो उसे कैसी से दूर रहने की वार्निंग देता है। वो अपनी बायोलॉजी क्लास अटेंड करते हैं। उनकी क्लास में मैरी नाम की एक लड़की थी जो हमेशा अपना पेट पकड़े रहती थी, और उसके बारे में रूमर था कि वो प्रेग्नेंट है। एलेक्स बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, इसलिए उनकी टीचर मिस हॉकर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। वो हॉल में टहल रहा था, तभी उसे एक क्लास में लिज नाम की लड़की रोती हुई दिखती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। लिज को भी उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया था, और एलेक्स यहाँ मौके पर चौका मारने की कोशिश करता है। उसे भी प्रॉम के लिए कोई डेट चाहिए थी, लेकिन लिज उसे प्रॉम के लिए मना कर देती है क्योंकि वो रात को जॉब करती है। बाकी अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेने के लिए वो एलेक्स को किस करने लगती है। तब तो एलेक्स बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाद में वो रोने वाला है, क्योंकि लिज ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी उस पानी को पीकर। स्कूल खत्म होने के बाद दो लड़के जॉन के पास आते हैं और वो उसे प्रॉम पर जाने के बजाय रात को उनके साथ ब्राइड ऑफ द कैनिबल्स 2 मूवी देखने का ऑफर देते हैं। जॉन अभी डिसाइड नहीं कर पाया था, तभी कैसी वहां आ जाती है और जॉन उन्हें छोड़कर कैसी के साथ निकल जाता है। असल में कैसी उसकी बचपन की फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे प्रपोज करके दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो उसे प्रॉम के लिए पूछ लेता है। बदले में कैसी उसे मना कर देती है और वो चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है, यही सोचते हुए कि उसने पूछा ही क्यों। उधर विंस्टन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ डाउन होम वाटर का एक वर्कर भी बैठा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और बुरी तरह इन्फेक्टेड होने की वजह से वो मर जाता है। ये देखकर विंस्टन समझ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो जल्दी से उस वाटर प्लांट की तरफ बढ़ता है। इधर जॉन प्रॉम में नहीं जाना चाहता था, वो उन दोनों लड़कों के साथ मूवी देखने का प्लान कर रहा था, जो कि टीवी पर कैबिन फीवर ही देख रहे थे। तभी एलेक्स उसे कॉल करता है और किसी तरह उसे प्रॉम पर चलने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन एलेक्स का इन्फेक्शन भी अब बढ़ रहा था। फ्रेडरिका नाम की लड़की प्रॉम के लिए ड्रिंक बना रही थी, जिसमें वो इन्फेक्टेड वाटर का ही यूज करती है।
उसके पास रिक नाम का लड़का आता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। रिक उसे वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ एक वर्कर आता है जो कि इन्फेक्टेड था और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए वो उनकी ड्रिंक में टॉयलेट कर देता है। रिक फ्रेडरिका को लेकर स्विमिंग पूल में जाता है। असल में उसके अपने दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि वो फ्रेडरिका के साथ मेकआउट करके दिखाएगा और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। तभी वो देखता है कि फ्रेडरिका के मुंह से खून निकल रहा था। ये देखते ही वो उसे छोड़कर पूल से बाहर निकल जाता है और देखते ही देखते पूल खून से भरने लगता है और फ्रेडरिका पूल में ही डूब जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसी कोशिश में वो भी पूल में गिर जाता है और उसका सर फ्लोर से टकरा जाता है जिससे वो मर जाता है। ये भी उसके लिए हल्की ही सजा थी। उधर विंस्टन वाटर प्लांट पर पहुंचता है और वो वहां का डिलीवरी शेड्यूल चेक करने लगता है। उस शेड्यूल को चेक करने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो अपने कज़न हरमन को फ़ोन करके बुलाता है। तभी वहां स्पेशल फोर्स की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर विंस्टन जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो स्क्वाड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है और बिना कोई सवाल जवाब किए वहां के वर्कर को भून देती है। इधर जॉन और एलेक्स भी प्रॉम पर पहुंच जाते हैं। वहां सब इंजॉय कर रहे थे और वो सबकी शक्ल देख रहे थे। एलेक्स वो ड्रिंक पी रहा था और उसका टेस्ट उसे थोड़ा खारा लग रहा था। जॉन भी वो ड्रिंक ट्राई करने के लिए जाता है। वो ड्रिंक पीने ही वाला था तभी कैसी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है लेकिन वो उसके लिए प्रॉम पर नहीं आई थी, वो मार्क के साथ आई थी। मार्क फिर से जॉन को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तब प्रिंसिपल जॉन को पकड़ कर ले जाता है और उसे स्कूल से बाहर निकाल देता है। मार्क को उसने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो अमीर बाप का लड़का था। कैसी भी देख लेती है कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी। वो भी मार्क को चांटा मारकर वहां से निकल जाती है। वो जॉन को रोकने की कोशिश करती है और तब जॉन उसे अच्छा खासा रियलिटी चेक देता है। तभी वो स्पेशल फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। वो सीसीडी वाले थे, कैफे कॉफी डे नहीं, कंटेमिनेशन कंट्रोल डिवीजन वाले। वो जबरदस्ती उन दोनों को स्कूल के अंदर भेज देते हैं और कुछ सोल्जर्स को अंदर भेज कर स्कूल के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं। जॉन और कैसी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और वो देखते हैं कि स्विमिंग पूल में दो लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा है। वो दूसरे एग्जिट पर पहुंचते हैं लेकिन वो उसे भी लॉक कर चुके थे। उन्होंने पूरी बिल्डिंग ही सील कर दी थी और हमें पता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। जॉन कैसी को भेजता है एलेक्स को लाने के लिए और वो खुद प्रिंसिपल को लाने जाता है। वो टीमें बांटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कैसी एलेक्स को बुलाने जाती है और देखती है कि मार्क ऑलरेडी किसी दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। वो एलेक्स को लेकर एग्जिट पर पहुंच जाती है और जॉन भी किसी तरह प्रिंसिपल को ले ही आता है। वो प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं लेकिन उस बेचारे को तो सवाल ही नहीं पता था। वो दरवाजे के पास जाकर देखता है कि वहां क्या चल रहा है और तभी वो नर्क सिधाड़ जाता है। अंदर भी बच्चे इंडियन कोबरा बन चुके थे और चारों तरफ भगदड़ मच चुकी थी लेकिन कोई हॉल से बाहर नहीं निकल सकता था। उन तीनों को भी पता चल चुका था कि वहां किसी तरह की बीमारी फैल चुकी है। वो भी खुद को चेक करते हैं कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो। जॉन एकदम ठीक था लेकिन एलेक्स इन्फेक्टेड हो चुका था लिज की मेहरबानी से। वो लाइब्रेरी में जाता है उस बीमारी का इलाज ढूंढने। कैसी वॉशरूम में खुद को चेक कर रही थी तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो मैरी थी जो वहां बैठकर रो रही थी। आप सबको याद होगा कि मैरी के बारे में ऐसा रूमर था कि वो प्रेग्नेंट है। वो रूमर बिल्कुल सही था। इन्फेक्शन की वजह से उसका बच्चा मर चुका था और कुछ देर बाद वो भी मर जाती है। जॉन कैसी को वहां से ले जाता है। वो दोनों एलेक्स के पास जा रहे थे तभी वहां एक सोल्जर आ जाता है। वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं जहां मिसेस हॉकर भी थी और वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सोल्जर अंदर आता है और उसे शूट कर देता है। जॉन और कैसी छुपे रहते हैं और उस सोल्जर के जाने के बाद बाहर निकलते हैं। उन्होंने हॉल को भी मुर्दा घर में बदल दिया था। जॉन और कैसी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि एलेक्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो ऑलरेडी देख चुका था कि इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। एलेक्स उनके सामने ही मर जाता है। जॉन अभी तक एलेक्स के बहुत नज़दीक था और वो देखता है कि उसके हाथ पर भी इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। उधर विंस्टन अपने कज़न हरमन से मिलता है और वो दोनों शहर छोड़कर जाने लगते हैं लेकिन हर तरफ से रोड क्लोज थे, कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता था। हरमन पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देता है लेकिन एक सेकंड बाद ही वो उसे बेहोश करके रिश्वत वापस ले लेता है। वो दोनों उस नाके से निकल जाते हैं। इधर जॉन एक रूम में जाता है जहां वो अपना इन्फेक्टेड हाथ काटने लगता है क्योंकि उस बुक में लिखा था कि इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट काटने से इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। कैसी उसका हाथ प्रॉपरली एम्पिटेट कर देती है लेकिन तभी वहां मार्क पहुंच जाता है और वो कैसी के सर पर हथौड़ा दे मारता है। इसके बाद वो जॉन को मारने लगता है। तभी कैसी किसी तरह उठती है और एक नेल गन सीधा उसके सर में चला देती है जिससे वो मर जाता है। वो दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं लेकिन सीसीडी वाले उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं।
वो दोनों जंगल के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो वहीं पर गिर जाता है और इतनी देर में एक सोल्जर कैसी को पकड़ लेता है। जॉन हिम्मत करके उसे बचाने की कोशिश करता है, तब वो सोल्जर कैसी को छोड़कर उसे पकड़ लेता है और कैसी वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक रोड तक पहुँचती है जहाँ वो एक वैन को रोक लेती है। उस वैन में और कोई नहीं बल्कि विंस्टन ही था, और आपको पता ही है कि विंस्टन खून खराबे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो कैसी को वैन में बैठा लेता है और हम देखते हैं कि कैसी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और गवर्नमेंट की लाख कोशिश के बाद भी विंस्टन सक्सेसफुली वायरस को शहर से बाहर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिज को, जो कि जॉब पर थी और वो एक स्ट्रिपर की जॉब करती थी। वहाँ वो अपने साथ वाले स्ट्रिपर को भी इन्फेक्टेड कर देती है और साथ ही वहाँ आए हुए कस्टमर्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो कि उस इन्फेक्शन को आगे फैला देते हैं। और दो कस्टमर तो मैक्सिको से आए थे, वो इस इन्फेक्शन को अपने साथ मैक्सिको ले जाते हैं और लिज अपने घर जाकर आराम से सो जाती है, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये मूवी हॉरर कॉमेडी से ज़्यादा एडल्ट कॉमेडी लगती है, और अब पूरी मूवी देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉरर तो इसमें दिखा ही नहीं। और ईलाई रॉथ की कमी जैसे हॉस्टल पार्ट 3 में अलग से ही चमक रही थी, इसका भी बिल्कुल वही हाल है। ओरिजिनल मूवी से कंपेयर करें तो ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है, सीक्वल वाली इसमें कोई बात नहीं है। और रेफरेंस देख लो कितना तगड़ा दिया है, इसमें दो बच्चे टीवी पे कैबिन फीवर ही देख रहे थे। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोड्यूसर्स ने इसमें बहुत ज्यादा री एडिटिंग और रीशूटिंग करवाई थी, जिस वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर टाई वेस्ट ने इस फिल्म से अपना नाम हटाने के लिए प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और मूवी के डायरेक्टर के तौर पर उन्हीं का नाम आता है, जबकि मूवी के रिलीज होने पर उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ये उनका डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने इस फिल्म को कम्प्लीटली डिसोंट कर दिया था। उनका कहना था कि ये मूवी कम्प्लीटली प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट है, और हमें आज तक इसका डायरेक्टर्स कट देखने को नहीं मिला जिसमें हमें टाई वेस्ट का विजन देखने मिलता। फैंगोरिया मैगजीन के अकॉर्डिंग 2004 में कैबिन फीवर 2 के लिए दो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसमें से एक लिखी थी ओरिजिनल क्रिएटर ईलाई रॉथ ने और दूसरी लिखी थी एडम ग्रीन ने। अगर आप एडम ग्रीन को नहीं जानते तो आपको बता दूं कि उन्होंने 2010 में आई फ्रोजन मूवी डायरेक्ट की है, जो कि एक ब्रिलियंट मूवी है, और साथ ही उन्होंने हैचेट सीरीज भी बनाई है। जी हाँ, विक्टर क्राउली के क्रिएटर भी वो ही हैं, और इन सब मूवीज़ की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इतने लेजेंडरी लोगों ने इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी, फिर भी उनकी स्क्रिप्ट को साइड में कर दिया गया और एक बिल्कुल ही न्यू विजन को लाने का तय किया गया। ये सब लायंस गेट की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से ये मूवी एक लेजेंडरी मूवी बनते बनते रह गई, और मूवी की फिल्मिंग अप्रैल 2007 में ही कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बावजूद भी इसे 2 साल तक संभाल कर रखा गया और अक्टूबर 2009 में रिलीज़ किया गया। राइडर स्ट्रॉन्ग और ग्यूसेप्पे एंड्रूज़ी ऐसे दो करेक्टर्स हैं जिन्होंने ओरिजिनल मूवी से इस मूवी में कमबैक किया। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स बहुत कम हैं, लेकिन इनको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए और उनके फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं। और इस मूवी के अनरेटेड हिंदी डब वर्जन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं इसका डाउनलोडिंग लिंक डाल दूंगा। और न्यू मूवी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।